कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में होता ही रहेगा, लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ रिलेशनशिप लेवल, हर जगह पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये सोचना सोल्यूशन नहीं है कि कुछ ना हो, सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, ऐसा भी कई बार थॉट्स आते होंगे माइंड में कि ये सब चीज़ें ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये सब ना हो। तो क्या किया जाए, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ये हमको सोचना है। मेरी वीडियो में आपको क्या मिलेगा, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे चल रहा होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। तो अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। देखो जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं तो वो रियलिटी है, वो आपको लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन 10 अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं वहां पर सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ वो आपका वहम है, अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में।